हेलो माय यूट्यूब फैमिली, जय माता दी, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। लक्ष्मी की दुनिया में आप लोगों का स्वागत है। और यहाँ मैं माँ तुलसी का पूजा करने लगी थी, तो मैं पहले जल चढ़ा दी हूँ और अब सिंदूर, धूप, दीपक जो भी जलाना है मैं जलाऊँगी। और माँ तुलसी में ना बहुत ज़्यादा मंजरी हो गया है, तो उसे हमेशा निकाल देना चाहिए, नहीं तो माँ तुलसी को बहुत ज़्यादा दर्द होता है। तो बस वही मैं निकालूंगी आज, क्योंकि आज है फ्राइडे और कभी भी निकाला जाता है तो ना मतलब एकादशी वाले दिन और बृहस्पतिवार को नहीं निकाला जाता है। तो इतना तो मतलब खैर नहीं पता है, लेकिन जितना भी पता है इतना पता है कि हाँ मतलब एकादशी को और सूतक है या मतलब अमावस्या बोलते हैं, इस समय नहीं निकाला जाता है। तो माँ पार्वती का जितना मंजरी था निकाल दिए थे, माँ का चुन्नी मतलब समझ लो ख़राब हो गया था तो वो हटा दिए थे, और यहाँ बस कलावा में लपेट के माँ को चुन्नी उड़ा दिए हैं और वहाँ से पूजा करके आ गए थे हम रूम में पूजा करने के लिए। तो यहाँ मेरा पूजा हो गया था कंप्लीट, क्योंकि लाला भी बैठे हैं रेडी होके और माँ पार्वती का भी श्रृंगार हो गया है, तो वैसे मेरा पूजा हो गया है कंप्लीट। तो आज पूजा का समझ लो इस टाइम थोड़ा फ्री रहते हैं, तो सुबह पूजा का थोड़ा बहुत ब्लॉग बन गया है, नहीं तो फिर तो बच्चे जाते हैं ना तो सुबह बहुत ज़्यादा भागदौड़ सी मची रहती है, इसीलिए पूजा का ब्लॉग नहीं आ पाता है। और वैसे पूजा तो समझ लो मेरे घर पे हमेशा से ना बहुत अच्छे से होता है, पूरी फैमिली मेरे घर पे पूजा बहुत अच्छे से करते हैं। और वैसे पूजा करना भी चाहिए, मन को बहुत शांति मिलती है पूजा करने से। अगर पूजा ना करो ना तो दिमाग लगा रहता है, जो भी करते हैं ना उनको पता होगा कि पूजा करने से कितना अच्छा रहता है, भगवान से जुड़े रहना चाहिए। मैं तो यही मानती हूँ, मेरी श्रद्धा यही है। किन किन लोगों की ये श्रद्धा है वो लोग कमेंट ज़रूर करें। और यहाँ मेरा बिस्तर पूरा हो गया था सही, और मैं आप लोगों से कुछ कर रही थी बात, बस हमेशा की तरह मेरा समझ लो म्यूट चल रहा है, पता नहीं क्यों क्या प्रॉब्लम है। तो यहाँ बस पूरा बिस्तर यहाँ का टीवी वाले रूम का हो गया था सही, और बस मैं अपने रूम का भी सही करके आ गई थी किचन में। तो यहाँ बस जो सूजी था उसे डिब्बे में कर लिए थे खाली, और थोड़ा मैं बनाऊंगी और चाय बना के अभी सभी लोगों को दे दिए थे, बस ये हलवा बनाऊंगी थोड़ा सा और सभी लोग खाएंगे, उसके बाद में खाना थोड़ा लेट में बनेगा, तो खाना तो अक्सर लेट में ही बनता है मेरे घर पर। और ज़्यादा लेट भी नहीं होता क्योंकि धूप की वजह से ना ज़्यादा लेट भी नहीं करते, लेकिन थोड़ा बहुत तो इस टाइम तो समझ लो जैसे बच्चों की मस्ती है ना, वैसे समझ लो हम लोगों को भी मस्ती है, क्योंकि थोड़ा सुबह जल्दी नहीं रहता है, थोड़ा लेट से भी मतलब उठते नहीं है लेट से, लेकिन फिर भी थोड़ा सुकून के साथ, नहीं तो फिर सुबह मतलब एक दिमाग में सेव रहता है ना कि मतलब समझ लो 6:30 बजे के अंदर अंदर इतना सब कुछ करके हमें देना है, तो इसलिए बहुत भागदौड़ सी मची रहती थी। तो आज मतलब इस टाइम थोड़ी शांति है। और यहाँ बस हलवा बनके हो गया था रेडी, तो अभी मैं कुछ इसमें डाली नहीं हूँ क्योंकि बच्चे मेरे कुछ भी नहीं खाते, ना किशमिश ना मतलब गरीब उरादा ये सब नहीं खाते, तो उन लोगों के लिए पहले निकाल लूँगी, उसके बाद में मैं कुछ डालेंगे इसमें। और यहाँ बस लाला के लिए निकाल लिए थे, यही खाएगा मानस, तो इसमें कुछ भी नहीं पड़ा है। और यहाँ सभी लोगों को देने के बाद फिर से मैं आ गई थी यहाँ बैठ के, थोड़ा आंगन में धूप नहीं था ज़्यादा अभी, तो यहीं बैठ के मैं थोड़ा सा खाऊंगी और चाय पियेंगे, उसके बाद में मैं फिर लगूंगी खाना बनाने। तो बस अभी पूरा काम मेरा फिनिश हो गया था, बस खाना ही बनाना था, तो मैं लग गई थी खाना बनाने में। और इस चीज़ की सब्ज़ी क्या है, कुंदरू। इस चीज़ की सब्ज़ी किन किन लोगों को पसंद है, तो ऑलरेडी पहले से हम तड़का दे दिए थे, एक मिर्च, मेथी, जीरा और थोड़ा सा हींग डाल के। और यहाँ बस कुंदरू डाल दिए, इसमें मिक्स मसाला, थोड़ी सी हल्दी पाउडर, थोड़ा सा कसूरी मेथी, कश्मीरी लाल मिर्च, ये सब डाल के अच्छे से, और थोड़ा सा गरम मसाला ऐड करके मैं अच्छे से इसे भून लूँगी। उसके बाद इसकी सब्ज़ी ना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, वैसे फैमिली में सबको पसंद है। और इसका मतलब भुजिया, आलू डाल के थोड़ा सा भुजिया टाइप का बनाओ ना तो बहुत अच्छा लगता है, अगर बिना मसाले के भी बनाओ तब भी बहुत टेस्टी बनता है, लेकिन वैसे मसाला तो मेरे यहाँ डालना ही पड़ेगा क्योंकि एक दो लोग हैं जो सादा नहीं खाते हैं, मसाले वाले ही खाते हैं। तो यहाँ बस बन के हो गया था रेडी, और एक साइड मैं बना रही थी रोटी, क्योंकि दाल चावल ऑलरेडी पहले से ही बना लिए हैं, और यहाँ बस मैं फटाफट से बनाऊँगी रोटी, क्योंकि धूप इतनी तेज़ हो गई है ना कि मतलब समझ लो
अभी सब काम पड़ा है, वैसे कपड़ा धुलना है, बर्तन, किचन, ये सब पूरा काम है। और धूप इतना तेज़ हो जाता है और फिर मेरा आंगन भी इतना बड़ा है ना कि मतलब धूप में कुछ करने का मन नहीं करता। इसलिए हम लोग थोड़ा समझ लो सुबह बहुत जल्दी पूरा अपना काम फिनिश करते हैं हमेशा, मैं भी और छोटी भी। और यहाँ बस रोटी जल्दी जल्दी से बना लेंगे, दाल भी तड़का दे दिए थे, बस एक मिर्चा डाल के थोड़ा सा जीरा, थोड़ा सा हींग डाल के तड़का दे दिए थे और कुछ ज़्यादा नहीं। और बस मैं इसे पूरा सब कुछ खाली कर लूँगी और फिर मैं बाद में कोई क्लिप नहीं ली थी और फिर मेरा पूरा काम फिनिश हो गया। अभी मैं खाना भी निकाल ली हूँ, तो ये खाना याद नहीं आ रहा है किसके लिए लेके गए थे, लेकिन फिर भी बस खाना निकाल लिए थे किसी को खाने के लिए, क्योंकि ये 2 दिन पहले का ब्लॉग है, याद नहीं है। तो ये यहाँ रायता भी बनाए थे खीरे का, तो खीरे का रायता और थोड़ा सा हलवा, ये सब डाल के और अच्छे से खाना निकाल लिए। आप सब भी आके खा लीजिए। और खीरे का रायता गर्मी में बहुत अच्छा लगता है। और बस खाना पीना सभी लोग खा लिए थे, हम भी खा लिए थे। तो यहाँ मैं चश्मी से इसलिए बनी हूँ ना क्योंकि मेरी आँख ना दोबारा से फिर से हो गई है ख़राब और डांट बहुत ज़्यादा पड़ने लगा है, इसलिए चश्मी से बनना पड़ता है। क्योंकि इस टाइम ना समझ लो पूरा दिन हम चश्मी से बन के घूमते हैं और आँख मतलब जो आँख पहले ख़राब हो मतलब थोड़ा प्रॉब्लम था आँख में, तो फिर चश्मी से बन गए थे, थोड़ा आराम हो गया था, फिर बीच में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। इस टाइम पर तो बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम है, बहुत दर्द होता है, आँखें दर्द होती हैं, सर तो दर्द होता ही है ना, आँखें बहुत ज़्यादा दर्द होती हैं, तो इसलिए चश्मे बने हैं। और ये साड़ी ना 6 मंथ हो गया, ये साड़ी मिला था मुझे भाभी के मायके से आया था बबुआ जब हुआ था, तो और अभी तक समझ लो फॉल नहीं लगा था ना, ब्लाउज़ बनाए हैं, तो बस मैं आज इसको निकाली थी, तो बस इसमें फॉल और पीको और ब्लाउज़ ये सब मैं बनाऊँगी। और ज़्यादा दिन हो जाता है ना, इसी साड़ी रखी रह जाती है, मुझे याद भी नहीं रह जाता है कि हाँ करना है। जब कभी अगर खोलो ना बक्से कि हाँ बस पहनना है, तो देखो तो फाल पीको ही नहीं है, तो बस ये फाल पीको मैं करूँगी। और ब्लाउज हो सकेगा तो 2 दिन में ब्लाउज भी बन जाएगा, फिर कहीं पहन के जाएँगे ज़रूर। और ये ब्लॉग कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा, और कमेंट करके बताइएगा मेरा ब्लॉग कैसा लगता है आप लोगों को। और आप लोग खूब सारा प्यार दीजिए, खूब सारा सपोर्ट करिए, और आप लोगों की सपोर्ट की ना मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और इतना तो भरोसा है ना कि अगर आप लोगों का साथ रहा और अगर प्यार रहा ना, तो मैं भी एक दिन बहुत आगे जाऊंगी। खुद पे बस भरोसा होना चाहिए, जो कि भरोसा है मुझे खुद पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।